वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी को पूरी तरह से अलग करने की एक सबसे बड़ी कोशिश में नाकामयाब होते हुए नीलम नजर आने वाली है। नीलम की तरफ से कोशिश तो की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऋषि के मन से लक्ष्मी का वहम और लक्ष्मी के ख्याल दूर नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ मलिष्का को इस बात से होने लगेगी प्रॉब्लम, जिसको लेकर वो नया प्लान बनाएगी और सोनम के साथ में फिर से उसको एग्जीक्यूट करेगी। वहीं एक और आने वाले एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आएगा जहां पर लक्ष्मी को यहां पर देखकर बलविंदर के साथ में ऋषि काफी ज्यादा भड़क जाएगा और यही लड़ाई होगी बलविंदर और ऋषि की। साथ ही साथ यहां पर बलविंदर अब वापस आने वाला है लक्ष्मी की लाइफ में यहां पर एक प्रपोजल लेकर। वो कौन सा प्रपोजल है, क्या होगा खास आने वाले एपिसोड में, बताते हैं सारी बातें एक एक करके इस वीडियो के अंदर। लेकिन उन सभी बातों को बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर लक्ष्मी के ख्याल में काफी ज्यादा ऋषि खोया रहता है। खाने के वक्त, यहाँ वहाँ जाते वक्त पूरी तरह से चारों तरफ उसको लक्ष्मी लक्ष्मी यहाँ पर सुनाई देती है, दिखाई देती है। वो लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर लक्ष्मी की बातें बोलते हुए नजर आता है, जिसको लेकर यहाँ पर मलिष्का परेशान हो जाती है। वो नीलम को कुछ बातें बोलती है कि आखिर में ऐसे कैसे चलेगा, जिसके बाद में यहाँ पर नीलम की तरफ से कोशिश तो की जाती है लेकिन वो नाकामयाब होती है। इसी बात को लेकर सोनम के साथ में मिलकर एक नया प्लान बनाया जाता है। अब सोनल यहां पर एक नया प्लान बनाती है कि आखिर में जाएगी लक्ष्मी से खुद बात करने, लेकिन क्या उसका प्लान कामयाब होगा या फिर नहीं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन बात कर लेते हैं बलविंदर के बारे में। बलविंदर वापस आने वाला है जहां पर लक्ष्मी को वो अपना एक बार फिर से बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन लक्ष्मी की तरफ से रिएक्शन क्या होगा, आपके मन में सवाल होगा। तो यहां पर लक्ष्मी की तरफ से रिएक्शन होगा पहले उसे दूर धकेलने का, लेकिन उसके बाद में यहां पर जब सोनल की चाल आगे बढ़ेगी तो यहां पर वो बलविंदर को खुद ब खुद अपने पास में आने के लिए यहां पर मंजूरी दे देगी। लेकिन ये होगी बात यहाँ पर ऋषि से हजम नहीं और यहीं पर हो जाएगी धुनाई, वो भी बलविंदर की। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।